नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी बिछोह। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए बिछोह। विजय दफ्तर के लिए तैयार हो रहा था कि सुधा ने आकर पूछा, सुनो वह पड़ोस का दीपक है ना, उसका दोस्त अपनी अलमारी देखना चाहता है, दिखा दें। अलमारी? विजय चौंक पड़ा। अपनी अलमारी की तारीफ विजय के दोस्तों तक कैसे पहुंच गई? दरअसल वो क्या हुआ, सुधा ने खिसियाए स्वर में कहा। एक दिन कबाड़ी को बुला लिया था मैंने, पर उसे अकेले घर में ले जाने की हिम्मत नहीं पड़ी तो सहारे के लिए दीपक को बुला लिया। कबाड़ी मरा 35 रुपए से आगे बढ़ ही नहीं रहा था। फिर दीपक ही बोला, भाभी अभी रहने दीजिए, मेरा एक दोस्त है, पुरानी चीज़ों का बड़ा शौक रखता है, एक बार उसे दिखा देते हैं। पता है वह इन पुरानी चीज़ों को खरीदकर ऐसी काया पलट कर देता है कि पहचानी नहीं जाती। अभी पिछले साल चोपड़ा लोगों से सोफा सेट खरीदा था। दिखा दो भाई, मेरे पास तो अब टाइम नहीं है, विजय ने बेजारी से कहा। घड़ी का कांटा सचमुच 10:15 के आसपास पहुंच गया था। स्कूटर पर बैठकर दफ्तर की ओर जाते हुए विजय सुधा की बातें ही मन में दोहरा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कुछ लोगों को पुराना कबाड़ खरीदने का शौक क्यों होता है, जबकि बाजार में एक से एक चीज़ें उपलब्ध हैं। सुधा बता रही थी कि दीपक को अपनी अलमारी बड़ी आर्टिस्टिक लगी। विजय को इसी बात पर बड़ी हंसी आ रही थी। भाई आर्टिस्टिक उसमें क्या है, पुराने जमाने का भारी भरकम ढांचा है बस, इस छोटे से घर में तो एकदम असंगत लगता है। हाँ उसके दोनों पल्ले जरूर नक्काशीदार हैं, पर विजय ने उन्हें कभी प्रशंसा की दृष्टि से नहीं देखा। वे बेल बूटे एक तरह से सिर दर्द ही थे, इतनी गर्द भर जाती थी उनमें। साल में 2-4 बार तीज त्यौहार पर वह खूब तेल पानी लगाकर उन्हें चमकाने का प्रयास करता था, पर 4-6 दिन बाद वह फिर वैसे के वैसे हो जाते थे। उस अलमारी से निजात पाने की बात कब से उसके मन में है, पर सुधा ने तो इस दिशा में बाकायदा अभियान शुरू कर दिया है, इस बात की उसे जानकारी ही नहीं थी। सुधा की उतावली स्वाभाविक भी थी। इस महीने उसकी BC खुली थी, एक डाइनिंग टेबल लेने का वह कब से सपना देख रही है, पर घर में जगह कहाँ है। इतनी सी तो रसोई है और बीच वाला कमरा आधा इस अलमारी ने घेर रखा है। फाइलों से उलझते हुए भी विजय नई डाइनिंग टेबल के बारे में ही सोच रहा था। विजय की इच्छा थी कि 4 का ले लें, पर सुधा का कहना है चीज रोज रोज तो नहीं बनती, एक बार हिम्मत करके बड़ा सा ही ले डालो, हम क्या जिंदगी भर इसी घर में बने रहेंगे। गहराई से सोचने पर सुधा की बात ठीक ही मालूम होती थी, वैसे भी औरतें इन मामलों में ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं। वैसे अगर अम्मा होती तो किसी की मजाल नहीं थी कि अलमारी को बेच दे। एक अजीब सा मोह था अम्मा को इस अलमारी से, कहती ये तेरे बाबूजी की पहली तनख्वाह की खरीद है, बड़ी बरकत वाली चीज़ है, इसी के साथ तो घर भरता चला गया। और फिर बड़े मनोयोग से उस पहली तारीख का किस्सा सुनाने लगती, जब शाम को बाबूजी 4 कुलियों के सिर पर यह अलमारी लदवाकर लौटे थे। अम्मा दिन भर बैठे बैठे पता नहीं कैसे सपने बुनती रही थी। शाम को जब सुना कि आधी तनख्वाह उसमें स्वाहा हो गई है तो एकदम बरस पड़ी। बाबूजी फिर देर तक उन्हें मनाते रहे थे, समझाते रहे थे, बोले शकुन की माँ इस बार माफ़ कर दो, तुम देखना साल भर में तुम्हारी अलमारी गहनों कपड़ों से भर दूंगा। हाय राम, सुधा कहती, क्या शकुन जी उस समय थी बाबूजी की पहली तनख्वाह पर? थी क्यों नहीं, कम्मो भी थी, बहू छोटे में शादी होवे थी तब, अब की तरह थोड़े ही है कि
पता नहीं कितनी बार विजय ये प्रसंग सुन चुका है। हर बार अम्मा का स्वर रसिल हो उठता था, चेहरा एक आभा से दमकने लगता था। पति के प्रति गर्व की कोई सीमा नहीं थी उनमें। बाबूजी ने सचमुच अपना वचन पूरा किया था। देखते ही देखते अम्मा का घर भर दिया था उन्होंने। कितना सामान था अम्मा की गृहस्थी में, बिस्तर इतने थे कि 10-15 आदमी आ जाएं तो भी कोई परेशानी नहीं होती थी। घर में बर्तन इतने थे कि 100 आदमियों का खाना आसानी से बन सकता था। पास पड़ोस में जब तक मांगे से जाते ही रहते थे। परात तो इतनी बड़ी थी कि 2 बच्चे आसानी से बैठकर नहा लें। गुसल खाने में तांबे की बड़ी सी गंगा जली थी, पूरी 3 बाल्टी पानी आता था। गांव वाला उनका घर पुराना सही पर काफी बड़ा था, वहां इतने सामान का तो अता पता भी नहीं चलता था। पर शहर के 3 कमरों के फ्लैट में तो उनकी उपयोगिता शून्य रह गई थी। कुछ तो वह गांव में ही छोड़कर आ गए थे, कुछ चीजें सुधा सोच समझ कर ले आई थी, उन्हें उसने अपनी दृष्टि से भुना लिया। अम्मा के बड़े बड़े बर्तन बाजार में चले गए और सुधा की रसोई स्टील के बर्तनों से जगमगाने लगी। अम्मा की शादी का असली जरी का लहंगा 250 रुपए में बिका और सुधा के घर में प्रेशर कुकर आ गया। अम्मा की मटर माला सुनार की भट्टी में गल गई और सुधा का पूरा सेट बन गया। चांदी के बड़े बड़े थाल सराफे में चले गए और विजय के पास स्कूटर आ गया। अम्मा चुपचाप सब देखती और सांस छोड़कर कहती, तिनका तिनका जोड़कर गृहस्थी जुटाई थी रे, तुम ही लोगों के लिए खून पसीना एक किया था, तुम्ही ने सब बर्बाद कर दिया। वे लोग कभी नए जमाने की दुहाई देकर या छोटे घर का सबल कारण बताकर उन्हें मना लेते, पर अलमारी ना, उन्होंने किसी को छूने भी न दी। दोपहर को सुधा का फोन आया, वह 140 रुपए दे रहा है, दे दें? बिल्कुल एकदम दे डालो, विजय ने छूटते ही हामी भर दी। उसे लग रहा था दीपक का दोस्त कलाकार हो न हो खपती जरूर है। 140 रुपए तो उसकी खरीद भी नहीं है, इतनी बड़ी रकम तो एकमुश्त बाबूजी खर्च भी न कर पाते। बेचारों का वेतन था ही कितना, जितने पर वे रिटायर हुए उतने पर तो विजय ने शुरू किया है, पर उतनी सी कमाई में बाबूजी कितना कुछ कर गए। आज उसके पास जो है उन्हीं की बदौलत है, उसकी अपनी तनख्वाह तो खाने कपड़ों पर ही खर्च हो जाती है। बाबूजी के जमाने में इस अलमारी की भी अजीब शान थी, अम्मा उसे हमेशा चमका कर रखती, उसमें रखी हर चीज भी करीने से लगी होती। सबसे निचले वाले हिस्से में धोबी की धुली चादरें, कंबल और शॉलें रहती, मेहमान के आने पर ही उन्हें काम में लिया जाता। उससे ऊपर वाले तल्ले में चीनी के कप, प्लेट, चम्मच, कांच की गिलास तथा फूलदार ट्रे रहती। ये चीजें भी खास खास मेहमानों के लिए ही निकाली जाती थी। इससे ऊपर वाला खाना विजय को बहुत प्यारा था। इसमें अम्मा की तीज त्यौहार या शादी ब्याह पर पहने जाने वाली साड़ियां रखी रहती थी। विजय अक्सर इन साड़ियों में सिर डालकर सूंघता रहता। उन दिनों ड्राई क्लीनिंग का चलन तो था नहीं, अम्मा की उन साड़ियों में उनके देह की परिचित गंध इत्र की खुशबू के साथ एकाकार हो जाती थी। सबसे ऊपर की मंजिल बाबूजी की थी, इसमें पुस्तकें रखी रहती। सुख सागर, चंद्रकांता, संतति, जीपी श्रीवास्तव और प्रेमचंद के कुछ उपन्यास, पर बच्चों को इन पुस्तकों से दूर ही रखा जाता था और इसीलिए उन्हें चोरी से पढ़ने के लिए भाई बहनों में होड़ लगी रहती। बाबूजी की मृत्यु के बाद जब वे लोग अम्मा को अपने साथ लेकर आ गए तो अलमारी भी साथ साथ चली आई। उस पर अम्मा के ठाकुर जी का अधिकार हो गया। नीचे पोथियाँ और पूजा की सामग्री रखी होती, बीच वाले तल्ले पर ठाकुर जी बिराजते, ऊपर के दोनों खाने खाली ही पड़े रहते। बहुत हुआ तो दवाई की शीशियां रख दी, शेष सब बेतरतीब कटे फटे कागज उसमें बिछे रहते। अम्मा के जाते ही वह अलमारी एकदम गैर जरूरी लग उठी थी, पर इतनी जल्दी उससे मुक्ति मिल जाएगी यह आशा नहीं थी। सुधा की सचमुच
प्रशंसा करनी होगी। शाम को रोज की तरह वह दफ्तर से लौटा। स्कूटर सीढ़ियों के पास टिकाकर गुनगुनाता हुआ वह घर में दाखिल हुआ। ब्रीफकेस मेज पर पटक कर मुंह हाथ धोने के लिए भीतर पांव दिया ही था कि उसका कलेजा धक से रह गया। बीच वाला कमरा एकदम खाली खाली लग रहा था। उस दिन अम्मा को चिता को सौंप कर वह लौट रहा था तो मन में यही सोच रहा था कि अम्मा की खटिया के बिना अब बीच वाला कमरा कितना खाली खाली लगेगा। पर घर आकर देखा वह कमरा ही क्यों, पूरा घर औरतों से ठसा ठस भरा हुआ था। 10-12 दिन तक फिर आने जाने वालों का सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ था। उसकी दोनों बहनें, चाचा चाची आदि लोग तो तिरही के बाद भी बने रहे थे। उन सब के बीच अम्मा की अनुपस्थिति का पता ही नहीं चला। जब तक सब लोग विदा हुए वे लोग नई परिस्थिति के अभ्यस्त हो चुके थे। फिर आज सुधा, वह जोर से चीखा। क्या हुआ, वह बदहवास सी दौड़ी आई। अलमारी कहाँ है? बरामदे में तो रखी है, वे लोग ठेला लाने गए हैं, आते समय देखी नहीं क्या? हाय राम, जरा सी बात के लिए इस कदर चीख पुकार मचा दी, मेरे तो हाथ पांव फूल गए। सुधा बुदबुदाती हुई रसोई में लौट गई। वह कुछ देर जड़ बना कमरे में खड़ा रहा, फिर तेजी से पलटकर बरामदे में आया। वहां एक कोने में वह अलमारी खड़ी थी, असहाय सी, अनादृत सी। उसके दोनों पल्ले खुले हुए थे और हवा में धीरे धीरे कांप रहे थे। उसे लगा जैसे अम्मा ही उसे अपने अंक में भर लेने को व्याकुल है। वह झिझकता सा पास आ खड़ा हुआ। फिर उसने बेतरतीब फैले हुए कटे फटे अखबारी कागजों पर अपना सिर रख दिया। स्मृतियों में बसी अम्मा की साड़ियों की परिचित गंध धीरे धीरे उसके नथनों में भरने लगी और वह फफक कर रो पड़ा। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।